मटेरियल तेरा मेरा साथ रहे में फाइनली गोपिका को उसकी सास से मुलाकात, यानी कि गोपिका को उसके कृष्णा जी का साथ मिल ही गया। दोस्तों यहां पर आने वाले एपिसोड में काफी कुछ देखने को मिलने वाला है और दर्शकों को ये शो काफी पसंद भी आ रहा है। तो हाँ, अब यहां पर बड़ा हादसा होने वाला है पार्टी में, जहाँ पर आग लग जाती है आरसी और उसकी मोम की वजह से। वो लाइट्स को ऑफ कर देती है और वहां पर उनके भागने की वजह से आग लग जाती है और उस आग में मिथिला और गोपिका दोनों ही फंस जाती हैं। दोनों ही मेहमानों को निकालने की कोशिश कर रही होती है, इस चक्कर में ही वो दोनों ही फंस जाती है। लेकिन गोपिका मिथिला को छोड़कर नहीं जाना चाहती और वो उसको बचाने के चक्कर में खुद की जान भी खतरे में डाल देती है। और यहाँ पर इसी बचाने के चक्कर में मिथिला उसको आशीर्वाद भी दे ही देती है। भाई शुरुआत हो चुकी है इनके एक नए रिश्ते की और उस रिश्ते की भी, जिसका बेसब्री से मिथिला इंतजार कर रही थी, उस बहू का जो कि उसके परिवार को वारिश भी देगी और इस परिवार को संभालेगी भी। तो मिथिला तो वही बहू ढूंढ रही थी और वही बहू अब उसे मिल जाएगी, जहाँ पर गोपिका की अच्छाई से इम्प्रेस होकर मिथिला रिश्ता लेकर पहुँचने वाली है, और वो भी आसी के घर यानी उसके मामा जी के घर। और वो सब खुश हो जाएंगे ये सोचकर बैठेंगे कि आसी और सक्षम का रिश्ता फिक्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा ही हो जाएगा। यहाँ पर तिलक लगाएगी मिथिला गोपिका को और ये देखकर आशी के और उसकी मॉम के होश उड़ जाने वाले हैं। ये सब कुछ देखकर अब उसकी मामी को यानी गोपिका की मामी को बहुत गुस्सा आने वाला है कि यहाँ पर भी उसकी बेटी का हक इसने छीन लिया है। और यहाँ पर वो और भी बड़ी चालें चलती दिखेगी कि कैसे भी अब गोपिका का रिश्ता तो उससे हो गया है, लेकिन वो किसी ना किसी तरह इस रिश्ते को तुड़वाने की भी कोशिश होगी। लेकिन यहाँ पर मिथिला को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान काम नहीं है। उसने जो ठान लिया और जिसने परख लिया है बस परख लिया है, तो उसने सक्षम के लिए चुन लिया है गोपिका को और वो उसको बहू बनाकर जल्द ही अपने घर में लाए और उसके बाद नहीं होगी एक सास बहू के रिश्ते की नई शुरुआत।